हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन कार्यक्रम। गाइस, आप लोग को ये आईब्रो कैसा लग रहा है? आप लोग को ये अच्छा तो ज़रूर लग रहा होगा, लेकिन आप लोग को ये नहीं पता होगा कि ये आईब्रो बनने के पहले कैसा था। तो गाइस, ये है बिफोर का लुक जो कि आप लोग देख रहे हैं। बहुत ही लाइट हेयर ग्रोथ वाला ये आईब्रो है, जिसे कि बनाने में बिगनर्स को परेशानी आती है, और हो सकता है कि आपको भी ऐसी परेशानी आती हो। तो वीडियो को पूरा देखिए और मैं साथ में बहुत कुछ बताने वाली हूँ, जैसे दोनों आईब्रो के बीच में किस तरह से मेजरमेंट करेंगे और आईब्रो थ्रेड में आईब्रो हेयर को कैसे फंसाते हैं, ये सब बताने वाली हूँ। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और कमेंट भी कर दें, और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ब्यूटी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाए करें। और आईब्रो को यदि शुरू से बनाना चाहते हैं सीखना, तो आप मेरे प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कर लीजिए, और साथ ही मैं आप लोग को यहाँ पर आई बटन में भी दे रही हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगी। तो गाइस, चलिए देखते हैं कि ये आईब्रो को कैसे बनाया गया है। गाइस, यहाँ पे सबसे पहले बड़े हुए हेयर को कट कर लेना है। गाइस, जैसा कि मैं बताती हूँ आप लोगों को, सबसे पहले मैं ऊपर सेव करती हूँ, तो उसी तरीके से ऊपर सेव कर रही हूँ। आप देखिएगा कि ये जो गांठ है, इस गांठ के इधर वाले धागे से आप इस तरह से सेव करते हैं, और गांठ को वहाँ तक ले जाएंगे जहाँ तक से बाल निकालना है। मीन्स ये जो लूप है, लूप के अंदर आपका बाल को फंसाना होता है। आप लोग कुछ लोग पूछ रहे थे कि किस तरह से बाल को फंसाना है, तो गाइस आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि कैसे मैं बाल को फंसाती हूँ। तो इस तरह से गांठ को आप आगे की तरफ ले जाएंगे, और जो लूप है उसी के अंदर आपको बाल को ले जाना है, और ये जो ऊपर वाला धागा है इसको आप इसके तरफ ऐसे, आप देख रहे हो अभी ऊपर है, इसको स्किन के ऊपर रख देना है ऐसे। तो ये क्या होगा, इसके अंदर आपका जितने भी हेयर है ना, वो लॉक हो जाएंगे। गाइस, यहाँ पे मेरे कस्टमर का जो स्किन है वो थोड़ा सा ज़्यादा ही पतला है, इसलिए अगर इस तरह का स्किन हो तो आप क्या करें, ऊपर और नीचे स्टार्टिंग से ही पहले से ही घिंचवा दें, ताकि स्किन टाइट हो जाए। और गाइस, इस तरीके से इसी गाइडलाइन के हिसाब से आपको आगे की तरफ बढ़ना है। और गाइस, यहाँ पे मेरे जो कस्टमर है, इनको ज़्यादा ऊंचा आईब्रो नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, इसको कट कर दे रही हूँ। मीन्स ये आँच बहुत ज़्यादा आँच नहीं चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ से हेयर को आप देख सकते हैं किस तरह से मैं निकाल दे रही हूँ, और ये हो गया ऊपर का आईब्रो का सेप। गाइस, आप लोग जब भी लाइट हेयर होना तो आप बहुत ही ध्यान से बनाएंगे, ताकि आईब्रो पतला ना हो जाए। तो इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक का सेप हो गया, और अब सेप करना है इधर से इधर का। यहाँ के बाद तो आपको हाथ को ऐसे टर्न कर लेना है, और टर्न करने के बाद इस तरीके से आपको धागे को रखना है। और गाइस, आप ध्यान देंगे, ये बहुत ही लाइट हेयर है, तो आप बाल की आईब्रो के अंदर नहीं जाएंगे। देखिए गाइस, यहाँ पे मेरे धागा को ध्यान से देखिएगा, ये जो धागा अगर इधर ले गए तो आईब्रो हो जाएगा पतला, और अगर हम लोग रखते हैं यहाँ तो आईब्रो रहेगा मोटा। तो हर एक कस्टमर को मोटा आईब्रो चाहिए, तो आपको करना क्या है, यहाँ से ऐसे रख के, और फिर ये ऊपर वाला धागा को ऐसे स्किन के ऊपर टर्न कर देंगे, और अब आपको बाल को निकालना है। गाइस, इस तरीके से करने से क्या होता है ना, कि जो भी हेयर है वो लॉक हो जाते हैं इस धागे के अंदर, लुक के अंदर, और बहुत ही ईजिली वो स्किन से रिमूव हो जाते हैं। तो इस ये वाले टेक्निक्स को यदि आप फॉलो करते हैं ना, तो आपको कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपके हेयर जो है वो स्लिप करके धागे से, वो हर बार आपके धागे में आएंगे ही, और सही से वो पकड़ में आ जाएगा। देख रहे हैं कि ये एक जो हेयर है, इसको इसे पकड़ना हो तो कैसे करना है, सबसे पहले आपको इस तरह से धागे को रखना है, और इसके बाद ऊपर वाले लूप को ऐसे आप कर देंगे, दबा देंगे, तो इसमें लॉक हो जाता है, और इसके बाद आप इसको खींच देंगे। तो गाइस, इसके बाद एक्स्ट्रा हेयर को आप इस तरह से रिमूव कर लेते हैं। तो ये हो गया ऊपर का सेप। गाइस, अब मैं बना रही हूँ नीचे, तो नीचे के लिए भी सेम आपको प्रोसेस है। आपको आईब्रो को तो ऐसे खींचना ही है, और नीचे से भी टाइट करवाना है, और उसके बाद आपको सेप करना है। तो इसके लिए गाइस, मैं यहाँ पे बहुत ही मोटा सेप रखने वाली हूँ। आप देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक का ग्रोथ कितना है। यहाँ पे लाइट हेयर है, और यहाँ भी लाइट हेयर है, और इस साइड तो आप देख सकते हो बहुत ही लाइट हेयर है, और यहाँ पे मेरे कस्टमर को पूरा लेंथ चाहिए, यहाँ तक का आईब्रो चाहिए। तो गाइस, आप ये चीज़ ध्यान देखिएगा कि किस तरह से मैं बनाती हूँ, तो आपका ये पूरा लेंथ के साथ, यानी कि मोटा वाला आईब्रो का सेप आएगा। तो इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, पहले यहीं पर हल्का सा सेप कर ले रही हूँ। देखिए किस तरीके से सेप करना है, ताकि आपका ये जो है ना आईब्रो का अच्छा खासा, मतलब मोटाई दिखे बाल नहीं रहने के बाद भी। जैसे कि ऐसा आप लोग के साथ भी बहुत होता होगा कि क्लाइंट के ना हेयर नहीं होते होंगे, लेकिन वो चाहते होंगे कि उनका थोड़ा मोटा सा आईब्रो है।
गाइस आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये यहाँ पे मैं आज लास्ट से स्टार्ट की हूँ। लास्ट से क्यों स्टार्ट की हूँ, ताकि यहाँ पे बहुत कम बाल थे और उसे मुझे अच्छा खासा ग्रोथ दिखाना था। तो गाइस इसी वजह से मैं इधर से स्टार्ट की हूँ। तो आप सोचेंगे कि आज मैं उल्टा प्रोसेस बता रही हूँ। तो गाइस आपको जैसा रिक्वायरमेंट हो वैसा आप कर सकते हैं। ऐसा आप अगर न्यू है, बिगनर्स है, तब तो मेरे पहले बताए हुए नियम पर आप काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन अभी अगर आप बनाते बनाते एक्सपर्ट हो चुके हैं तो आप आज जो मैं बता रही हूँ ना, ऐसे भी आप करते हैं तो भी बहुत अच्छा बना पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि आप कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप काम कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैं वही की हूँ, आज पीछे से पहले बनाई हूँ ताकि वो आईब्रो का उनका ग्रोथ दिखाई दे, क्योंकि इनका ग्रोथ बहुत कम था और उसके बावजूद भी मुझे अच्छा खासा ग्रोथ दिखाना है तो मुझे ऐसे ही बनाना पड़ेगा, यानी आपको भी ऐसे ही करना होगा। तो गाइस आज ये अब देखिए मैं आ गई यहाँ और फिर से मैं स्टार्टिंग लेंथ के लिए यहाँ से खींचेंगे और हल्का सा नीचे से खींचेंगे और उसके बाद आपको जो गार्डन जो स्टार्टिंग में बनाते हैं वही फिर से इधर से करके और इधर से और अप एंड डाउन, यानी कि इनर कॉर्नर और आउटर दोनों साइड से इसको मिक्स कर देना है। मैं स्टार्टिंग में आपको बताई पीछे से और इसके बाद मैं आगे हूँ आगे। और अब आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छा वाला शेप आ गया है और बहुत ही ब्रॉड भी दिख रहा है। तो इस तरीके से अभी इस नए तरीके को अपनाएं और कम घने आईब्रो को भी घना लुक दे सकते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं कि ये कितना अच्छा लुक दे रहा है। और यदि यहाँ पे हल्का सा आईब्रो पेंसिल या फिलर आप कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा लुक आ जाता है। तो गाइस इस तरीके से आप भी चाहें तो आईब्रो को शेप दे सकते हैं लाइट हेयर में। और जो भी एक्स्ट्रा हेयर है गाइस मैं अभी यहाँ नहीं निकाली हूँ, इसे क्लीन कर लेंगे और इस तरह से आप शेप दे सकते हैं। गाइस यहाँ पे मैं बीच का शेप कर रही हूँ, आप देख सकते हैं इस तरह से राइट साइड के आईब्रो को मैं सामने से खड़े होके बना रही थी। बस उसी तरीके से यहाँ भी मैं वहीं पे खड़े होके ही ये बीच का भी हेयर को क्लीन कर दे रही हूँ। ये आप अपने कस्टमर के अकॉर्डिंग, जिन्हें ज़्यादा बीच में चौड़ा रखना है या कम रखना है, वो उनके पसंद के हिसाब से आप बना सकते हैं। और यदि अगर कोई कस्टमर बोलती है कि आप अपने हिसाब से बनाएं, तो गाइस आप इस तरीके से मेजर करेंगे, नोज़ के पास से ऐसे धागे को लाएंगे और ये है मेजरमेंट का तरीका, यानी कि यहाँ से आपको हेयर को निकालना है। नेक्स्ट साइड भी आपको यहाँ से निकालना है, यानी नोज़ के पास आप धागे को ऐसे लाएंगे और ऐसे यहाँ से इसको मेज़र करके इसको निकाल देंगे। तो गाइस ये तरीका था कि बीच में कितने गैपिंग को रखेंगे, ये हो गया। बट आप चाहें तो आपके कस्टमर के पसंद के अनुसार भी काम कर सकते हैं। गाइस इसके बाद मैं आ जा रही हूँ लेफ्ट आईब्रो, और लेफ्ट आईब्रो को करने के लिए मैं खड़ी हूँ अभी राइट साइड ही। तो गाइस अभी मैं राइट साइड ही आगे खड़ी हूँ और यहीं से मैं सेव कर रही हूँ लेफ्ट आईब्रो के ऊपर का। तो आप देख सकते हैं तरीका वही है, ये हो इस धागे से करना है सेव और इससे करना है ऐसे सेव और इसके अंदर आ गया बाल और इस तरह से आपको खींच देना है। तो इस तरीके से आपका सेव ये बन जाएगा। गाइस आप लोग, कुछ लोग लेफ्ट आईब्रो के लिए परेशान होते हैं, जो बिगनर्स होते हैं ना उनको परेशानी होती है थोड़ी कि लेफ्ट आईब्रो को कैसे बनाएं। गाइस मैं आज फिर से आप लोग को गाइड कर दे रही हूँ कि लेफ्ट आईब्रो को करने के लिए क्या करना है। आपको सामने से ही बनाना है। यदि आप लोग को दिक्कत होती है, आप लोग को लगता है नहीं आप पीछे से बना सकते हैं, तो गाइस यदि आप बना लेते हैं पीछे से ना, तो आप पीछे से खड़े होकर बनाइए। और अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होती है तो मैं जैसे बता रही हूँ ऐसा भी आप कर सकते हैं। यदि आपको मेरा तरीका पसंद आता है तो गाइस आप इस तरीके को यूज़ कर सकते हैं, मीन्स इसको अपना सकते हैं। और गाइस एक चीज़ और, इस तरीके से आप यहाँ पे ऊपर का आप शेप देख रहे हैं कि हो गया है। और मेरी कस्टमर को ये ज़्यादा ऊंचा नहीं चाहिए था, तो इसलिए इससे मिलाते हुए इसे भी रखना है। तो गाइस यही चीज़ें सामने से जब आप खड़े होंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि आप दोनों को कितना लेवल रख सकते हैं, कितना ऊंचा रख सकते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप सामने से ही खड़े होके बनाइए। इतना ही सामने तक बनाना है, इसके बाद आपको चल जाना है लेफ्ट आईब्रो के पीछे और मैं भी जा रही हूँ इसके पीछे, और देन मैं ये शेप करूँगी और देन मैं ये शेप करूँगी।
गाइस यहाँ भी इसी तरीके से ऊपर और नीचे आप टाइट करवा लेंगे स्किन को। और इस आईब्रो में भी गाइस वही प्रॉब्लम है, आप देख रहे हैं कि यहाँ कितना लाइट हेयर है, बल्कि बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा, लग रहा है यहाँ से यहाँ तक आईब्रो है और यहाँ के बाद तो आईब्रो ही नहीं है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ भी सेम प्रोसेस, मैं आज उल्टा प्रोसेस आप लोग को बता रही हूँ ताकि ये आईब्रो उड़े नहीं। कई बार आपसे ऐसा होता होगा कि लाइट हेयर वाले आईब्रो को आप बनाते हैं तो आपका आईब्रो उड़ जाता होगा, यहाँ तक इतना छोटा हो जाता होगा। तो गाइस आज मैं यही आप लोग को बता रही हूँ कि लाइट हेयर वाले आईब्रो को जब आप बनाएं तो उन्हें छोटा ना करें। इसके लिए सबसे अच्छा टेक्निक है कि आप इधर से ही स्टार्ट करिए, उड़ेगा ही नहीं। ऐसे कीजिए, यहाँ पे जैसे मैं बता रही हूँ थोड़े थोड़े बाल को लेना है, आप देख लें कि यहाँ बाल है, यहाँ बाल है तो इतना चौड़ा यहाँ छोड़ दीजिए और यहाँ से इसको निकाल दीजिए। बहुत ही ईजी है, आप बिल्कुल भी बनाने में लाइट हेयर वाले आईब्रो को बनाने में बिल्कुल भी ना घबराएं, बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं और उसका लेंथ भी बहुत अच्छा आप छोड़ सकते हैं, कस्टमर को आप लेंथ दे सकते हैं लंबा। तो गाइस आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मैं कर रही हूँ, तो इस तरीके से आपको आप बाल निकालना है थोड़े थोड़े करके। आप बस ध्यान दीजिए कि आपको पतला ना हो या छोटा ना हो, बस इसी चीज़ पे आपको ध्यान देना है। अगर आप ये चीज़ को ध्यान देते हैं ना गाइस, तो आपका ये कम ग्रोथ वाला आईब्रो भी बहुत ही अच्छा बनता है। तो गाइस देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक हो गया है और ये शेप मैंने की थी पीछे से आगे से मीन्स, तो ये मैं शेप कर दूँ ताकि ये आईब्रो नज़र आने लगे, क्योंकि गाइस रोआ भी रहता है ना, छोटे छोटे बाल भी होते हैं ना, उसे आप छोड़ देंगे ना तो आपका शेप नज़र आएगा। तो गाइस इस तरीके से मैं यहाँ पे शेप कर दी, शायद आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा कैमरे में कितना दिख रहा है, आप लोग मुझे बताइएगा ज़रूर। आप देख सकते हैं कि ये यहाँ तक आ गया है, यदि इसे पेंसिल लगाया जाए तो पूरा शो करेगा। तो इस तरीके से गाइस यहाँ पे मैं पीछे से बता रही थी और फिर यहाँ पे मैं आ गई हूँ बीच में आर्च शेप के पास, चूँकि इन्हें ज़्यादा आर्च नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं दे रही हूँ। आप देख सकते हैं मैं बहुत ही नीचे से ही काम कर रही हूँ। तो इस तरीके से जो भी एक्स्ट्रा हेयर है इसे निकाल लेना है। और गाइस सबसे मेन चीज़ आप लोगों को ध्यान देना है क्या, कि आप आईब्रो को टाइट बहुत तरीके से करवाइएगा, अगर टाइट गलत तरीके से हुआ ना गलत जगह से तो आईब्रो का शेप भी चेंज हो जाता है। तो आप कस्टमर से हमेशा सही तरीके से आईब्रो को स्ट्रेच करवाइएगा। गाइस अब मैं आ गई हूँ स्टार्टिंग में, जहाँ से पहले मैं गाइडलाइन बनवाती थी, तो फिर से यहाँ पे देखिए गाइडलाइन बनेगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत लाइट हेयर है जिसे मैं धागे के अंदर ले चुकी हूँ, ये आप देख सकते हैं ऐसे मैं दिखा रही हूँ। तो इस तरह से लेना है और फिर ये जो है इसे आप इस तरह से स्किन पर डाल देना तो ये लॉक हो जाता है और फिर सिर्फ वही बाल निकलेगा, दूसरा बाल नहीं आएगा। तो इस तरीके से ये वाले टेक्निक को आप ज़रूर यूज़ कीजिए हेयर को लॉक करने के लिए। गाइस फिर से मैं एक बार बता दे रही हूँ, इस तरीके से धागे को लाना है और इसके अंदर हेयर आ गया, आप देख सकते हैं मैं इस तरह से दिखा दे रही हूँ। और इसके बाद ये जो धागा है इसको इस पर दबाना है और ये हो गया लॉक। लॉक करने के बाद उसे खींच देना है और आप बहुत ही अच्छे तरीके से इसे निकाल सकते हैं। तो गाइस इस तरीके से ये वाला टेक्निक आप यूज़ करते हैं तो आप किसी भी हेयर को बहुत अच्छी तरीके से लुक के अंदर लॉक कर सकते हैं। और दूसरा चीज़ आज मैं बताई हूँ कि आप कैसे कम ग्रोथ वाले आईब्रो को आप बना सकते हैं। गाइस यहाँ ये है फाइनल लुक, आप देख सकते हैं कि आईब्रो बन गया है और इसके बाद मैं आईब्रो मसाज यहाँ पे दे रही हूँ। ग्रोथ आप देख सकते हैं कि लाइट हेयर के बावजूद भी कितना सही आया है, लास्ट तक आया है। यदि इस पे आईब्रो पेंसिल हो या यदि आप आईब्रो को फिल कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा ये शेप आ जाता है। तो गाइस आज मैं बहुत सारे ट्रिक्स और टेक्निक्स दी हूँ जिससे कि आप लाइट हेयर वाले आईब्रो को अच्छे से बना सकते हैं। गाइस यदि आप लोग मेरे वीडियो को अभी तक देख रहे हैं यानी कि आप मेरे वीडियो को पूरा देखें तो गाइस मुझे ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग किस किस जगह से हैं और आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगता है या फिर क्या कमी है, ये सब कुछ मुझे बताइए ताकि मैं आप लोग के हिसाब से ही वीडियोस बना के लाया करूँ। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।